Assalamualaikum guys, welcome to my channel of Rati Academy. आज के डॉबली स्टेटर के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे सोशल मीडिया पोस्ट, जिसको हम एक इंस्टाग्राम टेम्पलेट भी कह सकते हैं और एक मॉडर्न टेम्पलेट भी कह सकते हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट का साइज होता है 1080x1080। हम एंटर करेंगे। सबसे पहले हम इस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सिंपली कीबोर्ड से एम प्रेस करें, ऑटोमेटिक देखें यहाँ पे हाईलाइट हो गई। अगर आप स्क्रीन पे फोकस करें तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से आप आराम से इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब इसको हम लगाएंगे ग्रेडियंट। मैंने ग्रेडियंट बना के रखा हुआ है, हम उसी में से पिक कर लेंगे। अब हम इस पर लगाएंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे। आई ड्रॉपर पे आप यहाँ से यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और सिंपली आई कीबोर्ड से आई भी प्रेस कर सकते हैं। इसी पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। तो चले हम पेन टूल की मदद से तो शेप क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, इससे हम आर्टबोर्ड टूल को मूव कर सकते हैं। गाइस सिंपली आप देखें यहाँ पे ब्लैक कलर का स्फीयर आ रहा है। जब भी मैं कोई चीज प्रेस कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आई होप। अब हम पेन टूल से एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ से सिंपली स्केचेस ऑन करेंगे और इसको हम कलर देंगे रेड। सिंपली रोटेट टूल लेंगे, यहाँ पे हम एक ऑल्ट की होल्ड करेंगे। देखिए इधर ऑल्ट शो हो रहा है, तो जब जब हमने कोई की प्रेस करूँगा इधर शो होगा आपकी आसानी के लिए। ऑल्ट की होल्ड करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे तो ये हमसे एंगल पूछेगा और कॉपीज पूछेगा। इसको हम एंगल देंगे यहाँ से -20। तो ये ना प्रीव्यू दिखा रहा है, ये है और ये इतने एंगल को कॉपी कर रहा है। कॉपी करेंगे हम और हम करेंगे कंट्रोल डी। ओके अब देखिए हम सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक लॉक कर दें कंट्रोल टू। सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं या आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से आप कंट्रोल टू। ओके अब हम ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये लॉक हो। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर देंगे या फिर और ऑल्ट की होल्ड करके हमने इसका साइज इंक्रीज किया। अब हम इसको बिल्कुल इसके सेंटर पर रखेंगे। थोड़ी सी पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हैं जो आपको सुटेबल है। अब इसके हम ओपेसिटी कम कर देंगे ओनली 15%। इट्स गुड। अब हम अपना ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब यहाँ से फिर हम करेंगे इनमेट ताकि ये लिंक खत्म हो जाए। ओके ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और थोड़ा सा रोटेटनेस हम कम कर देंगे। ओके इसको भी हम लॉक कर लेते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। ये ऑब्जेक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा लेंगे। इसकी कॉपी ओल्ड के साथ ड्रैग करते हैं नीचे और ओल्ड के साथ इसकी हम विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। येलो और इसको हम दे देंगे व्हाइट। इसको लाइट येलो। इनको हम अलाइनमेंट कर लेते हैं, सेलेक्ट किया और हम इक्वली अलाइन कर लेंगे। इसकी थोड़ी सी हम स्पेस कम करेंगे। ओके ओके गाइस अब हम यहाँ लिखेंगे अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम सिंपली कीबोर्ड से टी प्रेस कर दें या फिर हम यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। फोन जो हम यूज करेंगे यहाँ से हम वो करेंगे एक ह्यूमन वेरिएबल कॉन्सेप्ट और इसका जो हम यहाँ से यूज करेंगे वर्जन वो होगा सिंपल। साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, साइज तो फिर बनता नहीं है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। हम अलाइन कर लेंगे
इसलिए इसकी हम एक कॉपी लेंगे और इसको हम इधर नीचे लेंगे, यहाँ पे अलाइन कर लेंगे और इस पे हम टाइप करेंगे अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसकी शो ऑप्शन करें, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे। ये देखिए ई, आप यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्म और यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ से सिंपली यहाँ से पकड़ के शिफ्ट की की होल्ड करके इसको हल्का साइड राइट साइड की तरफ ड्रैग करना है, राइट। ओके, हम तो टैगलाइन यूज करते हैं, हम कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेंगे और थोड़ा सा सेंटर लाइन करेंगे। ओके ओके, टैगलाइन के लिए हम टाइप टू यहाँ पे टाइप करेंगे बेस्ट ऑप्स, बेस्ट रनिंग शूज। इसको हम यहाँ पे करेंगे व्हाइट, बोल्ड भी रहने चाहिए रेगुलरिटी। अब इसके यहाँ से बढ़ाएंगे स्पेसिंग, इसको मैं से करेंगे 700। थोड़ा सा इसे ऊपर लेते हैं एरो पे से। ओके गाइस, दिस इज डन, लुक्स नाइस। मुझे ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो हम क्यों ना ये करें, इसको भी हम इसका हम साइज थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। जैसे हम करते थे 150। भाई डिजाइन जो है वो आपके क्लाइंट को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ना कि वो देख के बोर हो सके। और सिंपली आप यहाँ से कीबोर्ड से एल की की प्रेस करेंगे तो एलिप्सोड आ जाएगा। ये देखें सेक्शन टूल एल एलिप्सोड, शिफ्ट की की को होल्ड करेंगे और हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे देंगे डार्क येलो। फिर बेस्ट थोड़ी सी कम कर दो लाइट सा लाना चाहिए। ओके, अब हम इसकी कॉपी लेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। उसके दो मेथड है, एक कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करें, या तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके एडिट कॉपी एडिट पेस्टिंग राइट और यहाँ से शिफ्ट की होल्ड करके थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे 50% ऑफ। ओके, इसको हम करेंगे, इसका साइज हम करेंगे प्लीज। ऑब्वियसली देखिए हमने इसमें गैप रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। ओके, इसका भी हम गैप यहाँ से करेंगे खत्म या इंक्रीज कर दें, गैप खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। और साइज इसका हम बढ़ा देते हैं 36, अब थोड़ा सा गैप डालते हैं 100। ओके, हमने हाईलाइट करना है उस चीज को जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। ओके 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 ओके, इसको भी हम लॉक कर देते हैं ताकि ये खुले ना। ये आ गया हमारा, हम कर देंगे यहाँ से ग्रुप
ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि हमें इशू ना हो जब हम पोस्ट को थोड़ा सा हिलाएं तो वो चीज़ें हमारी गिरे ना, इसलिए ग्रुप आप ही कर लिया करें। इसको हम थोड़ा सा इधर रखेंगे और हम यहाँ से एक और एक मज़ेदार सी चीज़ बनाते हैं। इसको ग्रुप करेंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको रोटेट करेंगे। एलिप्स टूल लेंगे और इसको हम कलर देंगे येलो और हम थोड़ा सा इसका साइज और छोटा करेंगे। ओके इट्स तो क्लिक करेंगे राइट क्लिक और ट्रांसफॉर्म ईच ट्रांसफॉर्म। अब जहां पे हम करेंगे 10 पिक्सल प्रीव्यू में चेक कर लेंगे कितने पिक्सल पे कितनी स्पेस आ रही है, तो हम स्पेस का मैं तो उसको 10 पे चाहे 15 कर लेते हैं। प्रीव्यू कॉपी कंट्रोल डी, अच्छे सारे को सेलेक्ट करेंगे फिर हम राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म और ईच ट्रांसफॉर्म। अब हम इसको जीरो कर देंगे और यहाँ पे हम 15 का एंगल दे देंगे जितना हमने ऊपर दिया था। ठीक है, प्रीव्यू हमें बता रहा है कि हमारी कितनी एंगल पे कॉपी हो रही है। हम कॉपी करेंगे ओके, नहीं करेंगे कॉपी, फिर कंट्रोल डी 3 4 5 6 ओके, कंट्रोल जी साइज और इसको हम और हम सिंपली ए सेलेक्ट करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे। टाइप टूल लेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ऑर्डर ऑर्डर नाउ। ओके कंट्रोल टी, देखिए इसको पहले हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, ऑल कैप्स कर देते हैं सारे कैपिटल होंगे। ओके ब्लैक इज गुड, एरियल का यहाँ से हम लेंगे बोल्ड वर्जन, साइज हम करेंगे थोड़ा सा छोटा ऑलमोस्ट 30 ज़्यादा हो गया, हम 24 पर रख लेते हैं और यहाँ से हम इसको अलाइन कर लेते हैं। हम एक वेबसाइट टाइप कर देते हैं www.website.com इसके, इसको हम वाइट करेंगे ऑब्वियसली और इसको हम यहाँ पे सेंटर लेते हैं एलिप्स, इसको हम यहाँ से करेंगे येलो करेंगे एक टेलीफोन का आइकन, इसको भी ऐसे इम्बेड कर दिया करें बिकॉज ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे लिंक खत्म हो जाता है जो वेबसाइट का लिंक, मतलब हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उसका वो लिंक एम्बेड खत्म कर देते हैं, फिर जो हम काम करते हैं वो इलस्ट्रेटर में ही अलाइन कर लेते हैं। इसको अलाइन हो चुका है, अब हम यहाँ पे एक नंबर टाइप करेंगे ओके इसके, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ऑब्वियसली बॉय नंबर ग्रुप कर लें कंट्रोल जी और इन दोनों को आप अलाइन कर लें सेंटर, आप अपने स्टेप करें ऑफसेट पास करवाएं। देखिए इधर 10 पिक्सल है, इससे पहले आप माइनस टाइप करें, तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये इतना
ऑफसेट पार्ट जो है वो एक कॉपी दे देते हैं। अगर आप माइनस नहीं करते तो वो आपको आउटसाइड कॉपी देगा, अगर आप इसको माइनस कर देते तो आपको वो इनसाइड कॉपी देगा, ठीक है। आप ओके करें, अब इस कॉपी को आप कर दे कंट्रोल 5, ये बन गया गाइड। तो हम यहाँ पे अलाइन करते हैं, इक्वली अलाइन हो जाएगा ये, उससे एक डिजाइन में खूबसूरती सी पैदा हो जाती है, चारों साइड से वो इक्वली अलाइन रहता है। ओके, तो हम यहाँ से भी इक्वली बिल्कुल अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से भी इक्वली अलाइन कर लेते हैं। ओके, इसको भी हम अलाइन करेंगे इसके साथ, राइट क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से आप हाइड राइट्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कंट्रोल ऑल्ट 2 करें दोबारा से, ताकि वो जो जो हमने लॉक किया था वो अनलॉक हो जाए। एम्प्रेस करें, रेक्टेंगल टूल आ गया। अब आप यहाँ से स्लाइटली आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इसको आप यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर दें और सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप मेक क्लिपिंग मास्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक ये तो ज्यादा है ना, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। हंसते रहें, मुस्कराते रहें और अपना ख्याल रखें और देखते रहें ग्राफिक अकेडमी विद उसामा खान। अल्लाह हाफिज़।